किसी के लिए भी तालियां मारते हो? एक्सक्यूज मी, ये देसी गर्ल नहीं है जो मुंह उठा कर आ गई है। हाँ एक्चुअली मुझे लगता है तुम यहाँ नहीं हो, ये कॉमेडी सर्कस है, यहाँ एंकर्स मुंह उठा के नहीं टांगे दिखा के आगे बढ़ते हैं। Comedy Circus के superstars। कितनी बार बोला ताली बंद करो। यार आज हो क्या रहा है यहाँ पर, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं हर हफ्ते अपने कपड़े छोटे से छोटे, छोटे से छोटे, छोटे से छोटे करती जा रही हूँ, ये लोग फिर भी मेरी रोजी रोटी छीन रहे हैं। डार्लिंग, लगता है तुम्हारे कपड़ों के साथ ना तुम्हारा टैलेंट भी छोटा हो रहा है, इसलिए हम दोनों की जरूरत पड़ी होगी। नहीं अब दोनों जाओ और मुझे एंकरिंग करने दो। एक मिनट, एंकरिंग सिर्फ मैं करूंगी क्योंकि मेरी ड्रेस सबसे छोटी है। एक्सक्यूज मी, एंकरिंग मैं करूंगी क्योंकि मेरी ड्रेस सबसे छोटी है। आई थिंक गर्ल्स तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मेरी ड्रेस सबसे छोटी है। या एक मिनट सुरेंदर, मेरी ड्रेस सबसे छोटी है ना। रोहित, रोहित मेरी ड्रेस सबसे छोटी है ना। शिट, ये राजीव ठाकुर कहाँ है यार। एक मिनट, वैसे एंकर मैं हूँ, आप दोनों को माना यहाँ बुलाया गया है लेकिन एंकरिंग के लिए नहीं। आज की थीम है हमारी तीन का तड़का और आप दोनों को हमारी टीम्स के साथ परफॉर्म करना है, अपनी टांगों की नुमाइश नहीं करनी क्योंकि फिलहाल वो काम सिर्फ मेरा है। और हाँ, वैसे थीम भले ही तीन का तड़का हो लेकिन अर्चना एंड रोहित, यू गाइस जस्ट डोंट वरी क्योंकि जजेस सिर्फ दो ही रहेंगे। हमने आज भी शेखर को नहीं बुलाया है। या शेखर नहीं है, परफॉर्मेंस पे ध्यान देना पड़ेगा। ओह माय गॉड, चलो बहन रिहर्सल ही कर लेते हैं। आज हम ये छोटी ड्रेसेस से नहीं अपने टैलेंट से आपका दिल जीतेंगे। अब जाके हम रिहर्सल करेंगे। वैसे आज की थीम तो आप समझ ही गए हैं, तीन का तड़का। यहाँ कोई जोड़ी नहीं किसी से कम लेकिन आज देखें कौन दिखाती है तीन का दम। कहते हैं स्त्री यानी शक्ति और पुरुष यानी सहन शक्ति, लेकिन जब आपके पास हो वर्दी की ताकत तो क्या पुरुष क्या स्त्री। दरोगा शमशेर भी अपनी वर्दी की शक्ति दिखा रहा है, एक स्त्री की रपट लिख रहा है, दूसरी को भगा रहा है। सो प्लीज वेलकम कपिल एज दरोगा शमशेर विद पार्वती एंड तड़का श्वेता गुलाटी। जय हिंद जनाब, कैसा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं आप? अच्छा शेट्टी साहब, मुझे एक बात बताएं, आप जज हो, आपको एकदम से कंटेस्टेंट बना दे तो कैसा लगेगा? ऐसे मुझे बुरा लग रहा है, एक्चुअली मैं पहले डीआईजी था और मुझे उन्होंने डीआईजी से सीधा इंस्पेक्टर बना दिया, ऊपर से ऐसी जगह पे ड्यूटी लगाई है, कोई केस ही नहीं आता अच्छा सा, क्या करूं मैं? एक्सक्यूज मी, कमाल है, दुकान खुलते इतना खूबसूरत केस। मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। मैडम रिपोर्ट ही लिखते हैं हम लोग, गाने तो हमसे कोई लिखवाता नहीं। आप खड़े क्यों बैठी आप? आपकी गोद में। मैडम आप तो आते ही फ्रैंक हो गई। चेयर पे बैठिए, चेयर पे, थोड़ा इधर हो जाइए, पता क्यों, थोड़ा ग्लैमर दिखाएंगे, दो नंबर तो इसी के मिल जाएंगे। अब बताइए मैडम क्या प्रॉब्लम, क्या आपकी? मेरा पर्स चोरी हो गया। ओए होए होए, बड़े दुख की बात है। उसमें मेरा पाम टॉप था। अच्छा, ओए होए, तो आज किसका टॉप पहन के आई आप? वैसे आपके पर्स में क्या क्या था मैडम? मेरा चार्जर, मेरा मोबाइल फोन, मेरा क्रेडिट कार्ड, मेरा मसाजर। ओए होए होए, मैडम आपका पर्स चोरी हो गया, आपकी अलमारी चोरी हुई है। मैडम बाकी सामान तो चलो ढूंढते रह जाएंगे, मसाजर की आप टेंशन मत ले, मसाज मैं आपको पर्सनली दे देता हूँ। ओहो मैडम चिंता ना करें, मैंने 4 साल बैंकॉक में नौकरी की है, एंजॉय करें आप। ये आप क्या कर रहे हैं? मैडम एक्चुअली ग्रैंड फिलहाल नजदीक आ रहा है, कोई पता नहीं कब इलिमिनेशन हो जाए, एंजॉय तो करें थोड़ा सा। वैसे कब तक मिल जाएगा? कब तक क्या मैडम, चाहे एक महीना लगे आपको क्या, आप जब तक पर्सन नहीं मिलता थाने में रहें, पूरा थाना खाली है, अटैच बाथरूम आपका रूम है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ, आइए आइए आइए। दरोगा कहाँ है? गलत टाइम पे एंट्री में, कोई दरोगा नहीं, जाओ आइए मैडम। अरे तो तुम कौन हो? मैं बच्चों को पोलियो के इंजेक्शन पिलाता हूँ, जाओ यार इधर, आइए मैडम। अरे लेकिन तुमने वर्दी तो दरोगा वाली पहनी है ना बेवकूफ, और जब देख रही थी तो पूछ क्यों रही फिर? अरे दरोगा साहब मैं लूट गई, मेरा पति खो गया।
तुम्हारा दिमाग खराब है, उनका पर्स गुम हुआ है, तुम्हें पता की पड़ी है? नहीं, उनकी बात सुन तो लीजिए प्लीज। तो साला ग्लैमर हर जगह असर कर जाता है। आप कहती है तो हाँ बताइए, क्या प्रॉब्लम है आपकी? वो कहे ना घर में 8 बच्चे अकेले हैं। क्या करता था तुम्हारा पति? वो मछली पकड़ता था। 8-8 बच्चे, मछली किस टाइम पे पकड़ता था? अरे वो 8 साल के बाद ही मछली पकड़ने गया है। अच्छा, 8 साल वेज फूड खाया, आज क्या मौत पड़ी थी, मछली लेने चला गया वो है? अरे मछली खाते नहीं, बेचते हैं। मछली बेचते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें दूसरों की बहू बेटियों को बेचते हुए? हिम्मत है तो मगरमच्छ बेच के दिखाओ। तुम्हारी माँ बहन एक ना करते तो फिर कहना। बढ़िया है मैडम, आप बताइए पर्स में कोई ऐसी चीज थी जिसको आप ज्यादा मिस कर रही हैं? मेरा नेल कटर फेवरेट वाला, मैं अपने नाखून कैसे काटूंगी? ये चिंता मत करें मैडम, मैं मुंह से काट देता हूँ। मैडम ये तो कुछ नहीं, मैं तो पैरों का भी काट देता हूँ। ये सुरवीन हर तीसरे हफ्ते मेरे पास ही आती है, इसके नाखून बड़ी जल्दी बढ़ जाते हैं, लेकिन निक्कर का साइज कम वक्त वही रहता है। इंस्पेक्टर। हाँ जी। नेल कटर बनने की कोई जरूरत नहीं, अपना ड्यूटी करो, चलो खड़ी हो जाओ वहां जाके, ये तो यहीं से थप्पड़ मारूंगा खींच के। आप इतनी दूर से थप्पड़ कैसे मारेंगे? मैडम आपको शायद पता नहीं है, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। देखिए इनका पर्स खोया है, मेरा तो पति खो गया, फिर भी इनके केस में ज्यादा ध्यान काहे दे रहे हैं? देखो मैडम तुम्हारा पति भी है, 8 बच्चे ऑलरेडी हैं, और क्या ध्यान दूं तुम पे मैं? दरोगा जी। देख ज्यादा शोर मत कर, मेरी बात समझ, तू तो रोज इधर मरती है, वो आज एक एपिसोड के लिए थोड़ा एंजॉय करने दे। शुक्र करो तुम्हारा पति टाइम पे गुम हो गया है, 8 बच्चे हैं, साला 3 साल और गुम ना होता तुम लोग तो अपनी आईपीएल की टीम खुद की बना लेते। अरे मैडम कुत्ता बड़ा प्यारा आपका। अरे कुत्ता छोड़ो, मेरे पति को जाके ढूंढो ना। एक काम कर कुत्ता ही ले जा तू, वैसे भी पति से कुत्तों जैसा काम करा रही, 8-8 बच्चे पैदा कर दिए जब डिस्टर्ब कर रही, इसको भेज दो जब बिड़िया लेके भाग के मेरे लिए। वैसे कुत्तों से काफी प्यार करती हैं आप हैं? हाँ। किसी भी करती हैं? हाँ। साला इंस्पेक्टर होने का फायदा क्या, इससे अच्छा कुत्ता ही होता मैं। ये लो बीड़िया। इतनी जल्दी बीड़ियां ले, स्पाइडरमैन की बेटी उड़ के जाती तू? अरे भाग के आया, बहुत प्यास लगी, जरा 2 घूंट पानी पिलाए दो। थाने का नल कटा हुआ, दफा हो जाओ यहाँ से। ये लो 1.5 रुपया बिस्लरी की वाटर, बाहर से ले लेना बोतल, ले लो चलो दफा हो जाओ। बिस्लरी की बोतल 1.5 रुपए की आती है का? खाली बोतल 1.5 रुपए की आती है, उसमें पानी म्युनिसिपैलिटी का भरना। दबाओ। मैडम आपके लिए कुछ मंगवाऊं कुछ? हाँ प्यास तो मुझे भी लगी है, थोड़ा पानी मंगवा दीजिए प्लीज। पानी एक सेकंड, अभी मैडम पानी क्या है? हेलो हवलदार, बिस्लरी के 20-20 लीटर के 10 कैन भेज दो अंदर जल्दी। हाँ इतने पानी का मैं क्या करूंगी? मैडम इतनी दूर से आई, नहा धो के जाए आराम से। इंस्पेक्टर साहब मेरा पर्स कब तक मिलेगा? देखिए मैडम मैं इंस्पेक्टर हूँ, ज्योतिषी तो हूँ नहीं, मुझे क्या पता, पर हाँ मैं ट्राई कर सकता हूँ आपका हाथ देख के कि पर्स आपका जो है, पर्स जो आपका है। कमीने कल मुंह है, अपने पार्टनर के होते किसी और लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। भगवान करे तुझे 7-7 नंबर मिले, तेरी टाइमिंग मेरे से भी खराब हो जाए। अर्चना तेरी एक्ट में मोबाइल पे मैसेज पड़े, रोहित तेरी एक्ट देखकर बोले आप लोगों ने क्या बोला, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। पंत तेरा टाइम पे आता नहीं, बोतल तेरी बड़ी टाइम पे आ रही है। और मेरी बात सुन, तेरी कोई बद्दुआ मेरे पे काम नहीं आएगी, समझ लगी ना? आज से मेरी पार्टनर तुम नहीं हो, मेरी पार्टनर सेक्सी लेडी ऑन द फ्लोर विद मोहनलाल। बेड़ा गर्क, अच्छी भली चल रही थी, जैसे मेरी पार्टनर बड़ी फंबल करने लगी। शेट्टी साहब मुझे लगता है मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे अपना हाथ दिखाना पड़ेगा। आप ऐसे हाथ देख के बताएं मैडम मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? शेट्टी साहब नंबर चाहे आप 5-5 दे दो, मैंने 150 नंबर की 2 पपियां ले ली हैं। थैंक यू। अर्चना चलिए आपकी बारी, FIR लिखिए। श्वेता वेलकम बैक, बहुत अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। इस एक्ट में एक फ्रेशनेस थी, एक अजीबोगरीब सा और एक नयापन का ह्यूमर था, बहुत अच्छी पंचलाइंस थी। आई थिंक इट्स अ वेरी रिफ्रेशिंग टेक ऑन अ पुलिस स्टेशन एक्ट, और बहुत बहुत मज़ेदार एक्ट था। थैंक यू मैम। रोहित श्वेता, तो मैंने जब देखा कि आप कपिल के साथ परफॉर्म करने वाले हैं तो मुझे लगा पता नहीं क्या होगा, बट यू वर ऑन पार विद कपिल।
बहुत ही स्मार्ट एक्ट लिखा गया और आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. वेरी गुड. चलिए देखते हैं अच्छे कमेंट्स के बाद ग्राफ कितना अच्छा जाता है. 9 points. आज तक इस मंच पर कई जोड़ियां बनी और हर जोड़ी की यहां सॉलिड बैंड बजी है, पर एक जोड़ी ऐसी है जिसे यहां सालों से पीटा जा रहा है लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया. तो आज उस बेजुबान जोड़ी के पीटने की दास्तान लेकर आ रहे हैं सलोनी एंड सुरेंद्र एंड राजीव एंड सुरेंद्र का छोटा तबला एंड तड़का वीआईपी एस बड़ा तबला. अर्चना बाजी कैसी लगी मेरी एंट्री? अच्छी लगी ना? माँ कसम ये बंदा जो भी करता है सबको अच्छा लगता है. बस कभी खबर नहीं किया बाजी. मेरे तबले की तरह बाजी, मेरे तबले. ये हमारा मालिक है, ये हमें बजाएगा. एक मिनट. हाँ यही है. अबे जैसा इसका मुंह है ऐसे लग रहा खुद कहीं से बज के आया है. जी, एक तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि लोगों को पता कैसे चलता है कि मैं कहाँ हूँ. जहाँ भी आता हूँ वही फोन आ जाता है पाजी. हेलो, क्या शो में तबला बजाना है पाजी? बजा देंगे. और अगर सही तबला बजा तो एलिमिनेट तो नहीं कर दोगे ना पाजी? क्या सिंगिंग शो है पाजी? दूर फिट है मुझ तुम्हारा. अरे गाना तो सिंगर गाएंगे लेकिन एलिमिनेट में आ जाऊंगा पाजी. चलो फोन रख दो. मेरा तबला कहाँ है बाजी? मेरा तबला कहाँ है? अबे 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 ये कैसा तबलची है, इसे अपने तबले भी दिखाई नहीं देते बाजी. जब पर सुर भी ना हुआ मुझे कुछ नहीं दिखाई देता बाजी. आपको तबला तो बजाना आता है ना बाजी? मैं ऐसा तबला बजाता हूँ कभी कभी तबले में से हारमोनियम बज जाता है बाजी. बस कभी घमंड नहीं किया बाजी. ये पहला तबलची है जिसके तबले उससे बड़े हैं. लेकिन मुझे आज भी याद है जब पहली बार ये हमारी दुकान पर हमें खरीदने आया था. बाजी दरियर साहब, क्या दिखाएं आपको? थ्री इडियट्स में देखी वही दिखा दो बाजी. अरे इसका मतलब है क्या खरीदने का तेरे को? बाजी मुझे अच्छा सा तबला चाहिए बाजी. मैं हूं ना. इसके मुंह पे मत जाओ, दिल से बड़ा अच्छा तबला है ये. कितने का है पाजी? 10,000 रुपए का. और ये ढोलकी? 3,000. एक काम कर दो पाजी, ढोलकी को काट कर दो तबले बना दो पाजी. मेरे पास इतने पैसे नहीं है. अब पाजी आपका दिमाग ठीक है? ढोलकी काट के कभी तबले बनते हैं? क्यों, इस देश को काट कर इंडिया और पाकिस्तान बन सकते हैं, तो ढोलकी को काट कर तो तबले क्यों नहीं बन सकते? वाह, ये क्या था? सटायर था बाजी. अबे सटायर को छोड़, अटायर को पकड़। बाजी मैं सुरेंद्र हूँ, सिद्धू नहीं, जिसका कोई गुरु होगा. अभी तो मेरे 10-12 चेले पागल खाने में एंजॉय कर रहे बाजी. अब जल्दी से मुझे अपने तबले दो, मुझे रोहित जी की नई फिल्म का म्यूजिक देना है बाजी. ये तो बड़ी खुशी की बात है बाजी. आपके लिए खुशी की बात है, लेकिन जब ये रोहित जी ने सुना तो घबराया घबराया घूम रहे बाजी. चलो अब जल्दी से बैठ जाओ, मुझे रियाज करने दो बाजी. कल मेरा मुरलीधरन के साथ तबले का मुकाबला है. अबे लेकिन मुरलीधरन को तबला बजाना ही नहीं आता. मुझे भी कहा आता है बाजी, इसी बहाने सीख लूंगा. चलो सुरेंद्र. रोहित जी आज आपको पता चल गया होगा ये जो गाना था ना, घुंघरू की तरह बजता रहा हूं मैं, इसी के लिए बना था. माफ कर देना, पिछले कितने एपिसोड से आया नहीं, सारी मिमिक्री आज इसकी यहीं पे निकल रही है. चुप. पाजी मेरी मिमिक्री कर रहा है पाजी.
निकालेगा पाजी, ये देखो। सत श्री अकाल। और ये मेरा शैतान तबला है पाजी, ये अपनी आवाज छोड़ के सबकी आवाज निकाल देता है पाजी। ये देखो। था ठीक ठीक था ठीक ठीक था ठीक ठीक था ना दिन दिन ना 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 दिन दिन ना 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 ना देखा देखा अपने प्यार के बीच में, अपने प्यार के बीच में जो भी आएगा उसमें ऐसे ही भगा दूंगी। तो अर्चना कितनी ताल में था इनका तबला आज, पता नहीं चला था किसको देखूं, राजीव तुम्हें, वीआईपी तुम्हें, या छोटे सुरिंदर तुम्हें, या रियल सुरिंदर को। एंड द हाईलाइट ऑफ दिस एक्ट वाज ऑफ कोर्स छोटा सुरिंदर, यू वर अगेन वेरी वेरी क्यूट। उसके बाद जो हाईलाइट है वीआईपी, तुमने जो वो एक और नया अंदाज दिखा अपनी मिमिक्री का, अगेन क्रिएटिव टीम एंड यू, तुम दोनों का टैलेंट जब एक साथ होता है और अच्छी तरह से आता है, इट इज सुपरलेटिव, सो वेरी नाइस एक्ट। रोहित, वापस से एक बार सुरेंद्र को एक नए कलर में लाना बहुत बड़ी बात है राइटिंग टीम के लिए। प्लस वीआईपी, आपने मिमिक्री की और नहीं भी की, बहुत स्मार्टली आप निकल गए, एक नयापन था मिमिक्री में भी, ये भी बहुत बड़ी बात है। ओवरऑल एक्ट सिर्फ टैलेंट पे खिंचा गया, सिर्फ राजीव का टैलेंट, वीआईपी का टैलेंट, सलोनी का टैलेंट और सुरेंद्र का टैलेंट, पूरे एक्ट में सिर्फ टैलेंट नजर आ रहा था। तो अर्चना, सुरिंदर और सुरिंदर के तबलों को कितने मार्क्स देंगे आप? 9 points. I'll give a smiling zuzu to Saloni and VIP, both of you. और बात रही स्कोर की, तो मेरे ख्याल से मैं ये नंबर पे अटक गया हूँ आज। 9 points. जोरदार तालियां राजीव, सलोनी और वीआईपी के लिए विद 18 पॉइंट्स। थैंक यू गाइस। हस्बैंड और वाइफ में छिड़ गई है जंग, दोनों अलग अलग होना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि उनका नन्हा सा मुन्ना सा छोटा सा बच्चा किसके पास रहेगा। प्लीज वेलकम हस्बैंड परेश तड़का, रोशनी एज वाइफ एंड किड भारती। जल्दी आ गई, रात के सिर्फ 3 बजे हैं, सब सो गए होंगे। रुको किरण, तुम खुद ही इतना रुक जाते हो कि बंदे को रुकना ही पड़ता है पूरी बात सुनने के लिए। तुम अभी तक सोए नहीं ऋतिक। आउच। जिसकी जवान बीवी सुबह 3 बजे ही घर वापस आ जाए उस बंदे को नींद कैसे आ सकती है। और तुम्हें तो पता है कि जब तक मैं 10-12 पैक पी ना लूं मुझे नींद नहीं आती। दारू पी गए होगे ना आज? धीरे बोलो, गोलू जाग जाएगा। और तुम्हें शायद पता नहीं कि राइटर की कलम 2 पैग अंदर जाने के बाद ही चलती है। अच्छा, तो तुम्हारी क्यों नहीं चलती? क्योंकि मेरे पास लैपटॉप है। अच्छा ये बताओ, तुम कहां से रही हो? इतना तो मैं गई भी नहीं जितना तुमने पूछ लिया। तो फिर बताओ ना कि क्या लगता है, ऑफिस से आ रही हूँ? एक्ट्रेस हूँ, ऑब्वियसली ये शूट करके आ रही हूँ। रुको, तुम क्या कर रहे हो? CID। अच्छा तुम शूटिंग से आ रही हो ना, लेकिन तुम्हारा सीरियल तो बहुत पहले ही बंद हो चुका है।
अरे हाँ, मैं रिपीट टेलीकास्ट की शूटिंग कर रही थी। अच्छा, स्मार्ट लेडी है। एक तो मैं पहले ही पति हूँ, ऊपर से और बेवकूफ बना रही हो। तुम और पति, तुमसे तो बड़ा मेरा बच्चा है। अरे वही तो कह रहा हूँ मैं कब से कि हमारा बेटा बड़ा हो गया है, बड़ा हो गया है, बड़ा हो गया है। धीरे बोलो, गोलू जाग जाएगा। गोलू जाग गया। गोलू जाग गया। गोलू जाग गया। क्या गोलू जाग गया? रोको इसे, रोको। अरे तुम इसे अपनी गोद में ले लो ना, ये शांत हो जाएगा। इसे मैं अपनी गोद में ले लूं तो ये शांत हो जाएगा? हाँ। फिर मैं हमेशा के लिए शांत हो जाऊंगा, उसका क्या? कैसी कैसी आवाजें निकाल रहा है ये? इतना टैलेंटेड है, रोने में भी वेरिएशन दे रहा है। ओहो, लगता है इसने सुसु कर दिया। अब तुम रोने में वेरिएशन दो। पापा। हाँ बेटा। पापा। हाँ बेटा। भूख। नहीं नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं लगी, मैंने परसों ही खाना खाया था। बेटा, वो मैं आज रात भी तुम्हारे लिए चॉकलेट लेने गई थी। झूठी झूठी कहीं की, सामने वाले आंटी भी अपने बेटे को यही बात कहते हैं जब आंटी हमारे घर में सो जाते हैं। क्या क्या ये सच कह रही है? अरे नहीं नहीं डालिंग, ये तो ऐसा ही। ऐसा बच्चा पैदा कर दिया तूने? अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे बच्चा पैदा करने में अकेले मेरी गलती थी। तुम्हारी गलती थी, मैं तो तुम्हें हमेशा मिस कॉल दिया करता था, तुमने फोन उठाया क्यों? पापा। हाँ हाँ बेटा बोलो। गोदी। आजा बेटा, मैंने आज तक बेटा। पापा चाय। चाय? मैं तो पूरा दिन शूटिंग में रहती हूँ, तुमने इसे बिगाड़ के रखा है। देखो सुबह उठ के दूध के बजाय चाय मांग रहा है। शुक्र करो सिर्फ चाय मांग रहा है, परसों चाय में तकिया डुबो डुबो के खा रहा था नालायक। कल बड़ी मुश्किल से आधा बिस्तर खींच के निकाला इसके मुंह से। मम्मा। मम्मा। हाँ बेटा। खाली हो गया, भर दो। मैं तो पहले से ही बच्चा पैदा नहीं करना चाह रही थी, अब देखो पैदा किया भी तो कैसे, ये बत्तख जैसा। अरे सारा मोहल्ला यही कहता है कि ये बच्चा माँ पे गया है। क्वैक क्वैक। पापा। बेटा आप कौन से अच्छे हो, मेरे अकेले पापा ऐसे हैं जिनको चिल्ड्रन डे पे इनवाइट किया जाता है। अर्चना आंटी, एक बार मैं ना अपने पापा को पेरेंट्स मीटिंग में स्कूल ले गया, प्रिंसिपल ने इनको पकड़ लिया, कहते हो इधर आ, सबके पेरेंट्स आए, तेरे पेरेंट्स किधर हैं? अरे चुप कर। ऐसे संस्कार दिए तूने इसे? खबरदार मेरी मम्मा को कुछ कहा दो। मेरा प्यारा बेटा सुरवीर, तेरी टक्कर की मम्मा है मेरे पास भी। पर अकल इसमें भी नहीं है। क्या? करेक्ट। ये सब तुम्ही ने इसे सिखाया है, मुझे नहीं रहना तुम दोनों के साथ, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। अच्छा घर छोड़ के जा रही है, रोक, अपने गोलू को भी साथ में ले जा। अरे मैं इसे क्यों लेके जाऊँ, तुम ही रखो इसे अपने पास। हा? अगर मैंने इसे रख लिया तो सारा मोहल्ला यही कहेगा कि गोलू ने अपने पापा को रखा हुआ है। ऐसे भी ना, सारे मोहल्ले के बच्चे अपने पापा को घोड़ा गधा कुत्ता बनाते हैं। पापा जी। हाँ बेटा। मैं आपको कुछ भी नहीं बनाऊंगा।
अरे आ जा मेरा बेटा, गुड बॉय। क्योंकि आप तो पहले से ही चूजा हो। कितने केले खा रही है? सॉरी बेटा, सॉरी बेटा। देखा कैसी बेइज्जती कर रही है मेरी। अर्चना जी आप बहुत कहती है ना, आई वॉन्ट टू टेक यू होम, आई वॉन्ट टू टेक यू होम। हिम्मत है तो इसे ले जाओ अपने घर। फिर ढाई तीन साल फुर्सत ही फुर्सत। अरे चुप, ये क्यों लेके जाएंगी उसे? अरे एक मिनट, हेलो, क्या गोलू तारे जमीन पर पंजाबी में बना रहे हो? भारी जमीन पर का हीरो। थैंक यू। हाय मेरा सोना गोलू पीता, ये तो मम्मी के साथ ही रहेगा। अरे नहीं नहीं, ये तो पापा के पास रहेगा पूरा का। मम्मी के पास? पापा के पास? मम्मी के पास? पापा के पास? मम्मी के पास? मैं तुम दोनों में से किसी के पास नहीं रहूंगा। क्यों? करो आप भी करो। तो किसके पास रहोगी बेटा? रोहित पापा। क्या रोहित जी, आप तो कहते थे कि आप सिर्फ डायरेक्टर हो, आप तो प्रोड्यूसर भी निकले। इतने बड़े प्रोड्यूसर। रोहित पापा अच्छे नंबर दो वरना मेरे को गोदी में उठाओ। रोहित पापा आप गोलू को घर ले जाना चाहेंगे? कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनका आप वेट करते हो, वो कैरेक्टर ग्रेजुअली फेवरेट हो जाता है आपका। तो ये जो गोलू का कैरेक्टर था ये फेवरेट हो गया, मतलब ऐसा लग रहा था आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बहुत अच्छा लिखा था, बट ऐसा था कि ये कब बोलेगा और क्या बोलेगा, और इतना वियर्ड कॉम्बिनेशन, माँ कैसी, पति कैसा, बच्चा कैसा, ये फैमिली को म्यूजियम में रखना चाहिए। नाइस, इट वॉज अ मैड एंटरटेनिंग एक्ट। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अर्चना ले जाइए घर। इफ आई टेक यू होम, मुझे दूसरा होम खरीदना पड़ेगा तुमको फिट करने के लिए। रोशनी यू आर टेरिफिक, एब्सोल्युटली। परेश यू आर ऑल्सो कम्प्लीटली इन फॉर्म, एंड गोलू यू आर तो गोलमाल एकदम धमाल, टोटली। चलिए अर्चना गोलू को अच्छे से स्कोर्स दे दी। आई एम गिविंग वन एक्स्ट्रा मार्क फॉर गोलू, बट इट्स नॉट अ गोलू नंबर, इट इज लाइक 9 points. रोहित 9 points. इंसान को मिलने वाली है चुनौती। रोहित आज यहां चुनौती मिलने वाली है सुरिंदर को। सुरिंदर सावधान, क्योंकि अब यहां आने वाला है एक और तबलची, और उसके साथ है उमराव जान, जिसके हैं कई सारे कदरदान। प्लीज वेलकम सुदेश एंड कृष्णा विद तड़का मेलिसा। मेहरबान कदरदान, सबसे पहले आप सबको अमराव जान की तरफ से सलाम। पहले सुन तो लिया करो, मैंने अमराव जान की तरफ से सलाम किया, मैं अमराव जान थोड़ी हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में दो ही तबला वादक फेमस हुए हैं, एक तो जागर सेन और दूसरा सुरिंदर। तालियां। अब आपको खुशी होगी कि अब तीसरा तबला वादक पैदा हो गया। तालियां। नवाब हाजिर जवाब माई सेल्फ। लेकिन शेट्टी साहब मैं बता दूं कि तबला बजाना कोई बच्चों का खेल नहीं, बहुत मुश्किल काम है, ये सुरेंद्र कहता है। नहीं पता वाकई मुश्किल काम, देखो जब हम तबला बजाते दोनों हाथ हो जाते बीजी, फिर कोई फोन आ जाए नाक में खुजली हो कुछ कर नहीं सकते। अमराव जान, हाँ आखिर कब तक तुम मेरे से सिर्फ तबला ही बजवाती रहोगी? मैं सरंगी भी आ लेता हूँ, मैं बांसुरी भी आ लेता हूँ, गिटार छोड़ भी जाओ यार, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अगर तुम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स बजाते रहोगे तो घर का काम कौन करेगा? तेरी कुर्ती का जो बटन टूट गया था ना वो भी मैंने जोड़ दिया है। अरे बटन को मारो गोली।
कितना अच्छा है, कितना कहना मानता है। अरे तू है, एक काम ढंग से नहीं कर सकता। आज मुझे फिर से इसी ड्रेस में डांस करना पड़ेगा। अरे अमीर अमीर कस्टमर लोग आते हैं यहाँ, क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। भगवान के नाम पे थोड़ा डांस सिखा दो बेबी। दो ठुमकों का सवाल है। देखो देखो मैं पैसे भी लाया हूँ। ये भिखारी कहीं का आगे कर ले डांस इसके साथ। तहजीब और लियाकत से बात कर हमसे। चुप साला, भिखारी कहीं का शब्दों की बात करता तू। अबे मैं पैसों का भिखारी हूँ, शब्दों का भिखारी नहीं हूँ। मैं नवाब हूँ नवाब। अच्छा अच्छा, आप भी? आप भी के और कौन है छाने इधर? सर जी मैं भी नवाब हूँ, मैं भी नवाब हूँ। अरे नवाब होके तबला बजाता शर्म नहीं आती तेरे को? तो साले तू नवाब होके भीख मांग सकता, मैं तबला भी नहीं जा सकता। आप कहाँ के नवाब है? वो अपना वो फिलहाल तो किधर के भी नहीं है। मतलब? मतलब पहले हम किधर के थे, फिर हमने आपके बारे में सुना कि आपके इधर बर्बाद लोग आते हैं, आप उनको बहुत प्यार करती हैं, गले से लगाती हैं। फिर पहले मैं बर्बाद हो गया, अब मैं इधर आया हूँ, अब मुझे गले से लगा लो। बेवकूफ तू, हट जा। ओ बर्बाद किसी और कोठे पे हो गया है और गले लगाने इधर आ गया तू। इस नाचीज का नाच देखने के लिए आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। ओए उसकी कुर्बानी तेरे को नजर आ गई, मेरी कुर्बानी नजर नहीं आई। दोस्तों मैं बहुत बड़ा नवाब था, बड़ा अमीर बंदा था, मैंने सारी दौलत इस बिल्ली के नाम कर दी, लुटा दी। और सर आप ओ छोड़ इसका, छोड़ छोड़ चले। ओए इधर, मैंने 2 करोड़ की कोठी इस दो टके के कोठी वाली के नाम कर दी, बेड़ा गर्क हो गया मेरा। साला कोठी से लोग सड़क पर आते हैं, तू कोठी से कोठे पर आ गया, ऐसा वाइज सो डिफरेंट। शेट्टी साहब ने कहा था कुछ अलग करके दिखाओ, मैंने ये कर दिया। अब मैं इसका पर्सनल तबलजी बन गया हूँ, फ्री में डांस भी देख लेता हूँ। साला फ्री में डांस देखने के बहुत अच्छे सीन के। इधर मैडम मेरे को रख लो, मैडम वैकेंसी है, थोड़ा अपना स्पॉट बॉय बेचा, कुछ चाय वाय पिलाने के लिए थोड़ा। क्या बातें कर रहा है तू, मैं समझता नहीं इतना। अगर तू यहाँ नौकरी कर लेगा तो नए नए कस्टमर बन के कौन आएगा? और मेरी बात सुनो, अभी तो कोई आया नहीं, तो ऐसा कर मेरे से शादी कर ले। अरे ये तो शक्ल से अमीर लगता है। तस्लीम। अरे भैया तस्लीम तो हमारे बाबूजी का नाम है। अरे लगता है हमारे बाबूजी तवायफों में काफी फेमस हैं। तस्लीम कहते हैं सलाम को। सलाम को? हाँ जी। तो उर्दू में कहो ना सलाम। देखो भैया हमें उमराव जान से मिलना है। हम ही तो है उमराव जान। उमराव जान इतनी मोटी? ओ यार 2 करोड़ की कोठी खा गई, मोटी नहीं होगी वो। हेलो। ओए इस पे तू बुरी नजर रखता है तू? तेरे को क्या है? आप रखिए। हम बुरी नजर कैसे रख सकते हैं? हम तो नजर ही नहीं रखते, हम तो अंधे हैं। क्या? हाँ। तो तुम मुजरा कैसे देखोगे? हम देखेंगे थोड़ी, महसूस करेंगे। ऐसे कैसे महसूस करेंगे? ओए इधर आ। ओए छोड़ मुझे। हाय छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। अरे ऐसे कैसे छोड़ेंगे, इतना बढ़िया डांस किया है तुमने। सच? हाँ। अब तो हम तुम्हें अपनी हवेली में ले जाएंगे, जिंदगी भर नचाएंगे वहाँ पे। आओ आओ हमारे गले लग जाओ। तुम नहीं तुम। ये क्या हो रहा? ओए छोड़ दे। तुमने बढ़िया डांस किया बेटा। मतलब तुम्हें पता था डांस इसने किया? अरे साहब साहब हमने अपनी आंखों से देखा है। इसमें लॉजिक क्या है? देखो बिटिया बहुत दिनों बाद आई हूँ, कॉमेडी सर्कस में लॉजिक नहीं चलता। देखो देखो
तुम भी नवाब, हम भी नवाब, एक दूसरे का दुख दूर कर देंगे। चलो आओ बाहर देख लेंगे, बाहर तो आओ। इसको वक्त ने तवायफ बनाया, वक्त फिल्म में इसने तवायफ का थोड़ा किया था डांस। कितनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, उसके बाद कोई ऑफर ही नहीं आई अच्छी। लेकिन तू चिंता मत कर, हम कुछ करके दिखाएंगे। हुजूरे आला। अरे काहे का हुजूरे आला, हुजूरे तो आला हफ्ता आला का है। हाय उठ, उठ रे, ये उठ, ए ए चल हफ्ता निकाल, हफ्ता निकाल। सर जी हफ्ता कहाँ से निकाले, दो हफ्ते से खुद ही डांस कर रहे हैं, खुद ही देख रहे हैं, खुद ही वाह-वाह कर रहे हैं। सर बकवास बंद करे, हफ्ता निकाल चल। ए मैं बहुत कड़क इंस्पेक्टर हूँ, मेरा हाथ उड़ गया ना तो तेरा तो। इस लड़की को अगर तूने हाथ उठाया ना, लड़की पे हाथ उठाया तो चला हाथ लगाने से रोकेगा? हाँ चल रोक के दिखा मेरे। रोकूंगा, रोक के दिखा मेरे को। जा जरा। तबला नहीं बजाने का मेरा डांस निकल जाता है, सबको मालूम है। अभी तबला मत बजाना। तुझे आ मायला मैं तेरे को। हफ्ता लेने आया था, हफ्ता ही निकलवाया वो, देख कर ले इकट्ठा। आजा भी आजा, इसको नोट बटोरने दे, हम नंबर बटोर लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू। कमल गाइस, तो अर्चना महफिल सजी या नहीं? दिस इज व्हाट मेक्स यू सो स्पेशल कृष्णा एंड सुदेश। एक एक्ट जो गुड एवरेज वेरी गुड वेरी वेरी गुड जा रहा था, उसे तुमने ब्रिलियंट एक्सलेंट पार एक्सलेंस बना दिया। कृष्णा योर एनर्जी वॉज ट्रिमेंडसली फैंटास्टिक दिस टाइम, बहुत ज़्यादा अच्छा था। कृष्णा एंड सुदेश एक्ट, जैसे अर्चना जी ने कहा कि जो चल रहा था, तो मुझे लगा कि जितने एक्ट्स हुए हैं आज उसके लेवल, उसके मुकाबले थोड़ा सा 19 था ये एक्ट, बट जो एंड था वो कमाल था। और इसकी दात मैं आप दोनों को देता हूँ, इनफैक्ट आप तीनों को, इसलिए क्योंकि लिखा हुआ कुछ नहीं है इसमें, और बहुत कम एक्टर्स हैं जो इसको पुल कर पाते। एंड में एक लाइन नहीं थी, सिर्फ परफॉर्मेंस था आप दोनों का। तो मैं जो मार्क्स दूंगा वो आप तीनों के परफॉर्मेंस के लिए दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो इतने अच्छे कमेंट्स के बाद अच्छे से स्कोर्स हो जाएं। अर्चना, एक्स्ट्रा स्पेशल एफर्ट के लिए एक्स्ट्रा स्पेशल मार्क्स होने चाहिए, तो मार्क्स के साथ साथ ये भी। एंड That's a perfect 10 with a smiley Zuzu. That's a perfect 10 again. That's a 20. Zordar taaliyan Krishna, Sudesh aur Melissa ke liye. Thank you guys for the mind-blowing performance. Ab aa rahi hai hamari aaj ki surprise guest jodi, jo jeetne ke liye har reality show mein ghus jate hain aur aaj yahan bhi aa gaye hain. Please welcome Ragini and Jimmy. Yes, 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 yes,
और फिर मैं रियलिटी कॉन्टेस्ट जीती गई CID। अरे वो भी रियलिटी शो जैसा ही है, फर्क सिर्फ इतना है मुझे इतना बताना था कि क्रिमिनल कौन है, मैंने बता दिया और मैं जीत गई। तुम ऐसे चल क्यों रहे हो, तुम तो इंडियाज गॉट टैलेंट में गए थे। उन सालों ने बहुत मारा है मेरे को। पर तुम तो मुंह से आग निकालने गए थे ना। ओ जी, मुंह से आग निकालने के लिए जैसे पेट्रोल डाला छींक आ गई, आग कहीं और से निकल गई। You mean the stunt backfired? ओ literally backfire हो गया। साले कह रहे थे हमारा बैकग्राउंड जला दिया। मेरा बैकग्राउंड जल गया उसका किसी को फिकर ही नहीं। ये क्या क्या करते रहती है, बड़ी बड़ी चाबियां कहाँ से लाती है, मुझे बताइए कौन से फ्लैट का ताला खुलता है इस चाबी से। ये फ्लैट का नहीं, एक गाड़ी का चाबी है, गाड़ी का। लो, गाड़ी से बड़ी तो चाबी है। और तू ये जो चेक जीत के आया है ये कौन से बैंक में डिपॉजिट होगा, हाँ? इसके लिए कोई बैंक बनाइए, हाँ? चेक कम छपड़ा ज्यादा है, पिछले चार का तो तुमने छपड़ा बना दिया अपने घर में। बोलता पे आया, बोलता पे आया, बोलता पे आया, बोली जा रहा है, बोली जा रहा है। तो नाटकीय रूपांतर राहुल का स्वयंवर। आप है ना बहुत खूबसूरत है। आपको कैसे पता, मैंने तो घूंघट भी नहीं उठाया। वो क्या है कि इतनी ऑडिशन ले चुका, अब तो घूंघट से अंदर का माल का पता चल जाता है। आप अपना चेहरा दिखाइए ना प्लीज। ये हुआ था राहुल माजान के स्वयंवर में। तुम्हें याद है मैं फियर फैक्टर में भी गई थी। नाटकीय रूपांतर, फियर फैक्टर, एक्शन। खतरों के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। यहाँ पर 13 हसीनाएं हैं। ये 13 हसीनाएं स्टंट की शौकीन नहीं है, ये पैसों की और पब्लिसिटी की भूखी है। सबसे पहली बेढंगी हसीना रागिनी। तो सबसे पहला स्टंट आपके लिए है, नाम है कांदा फोड़ी। ये पहला पड़ाव है, इस पे से आपको जंप करना है भाई। जय माता दी। दूसरा पड़ाव, जय माता दी। नागिनी जी, अब तीसरा पड़ाव, जय माता दी। रागिनी जी, अब ये चौथा और आखिरी पड़ाव है, बिल्कुल संभाल के करिएगा, बहुत ही खतरनाक स्टंट है, बच्चे घर पर ना करें, अपने माँ बाप के सामने कीजिएगा जो भी करना। जय माता दी। मैं बन गई खतरों की खिलाड़ी। देखिए रियलिटी शो करना कोई आसान बात नहीं है, इसीलिए हम अपनी गुरु माता राखी सावंत को मानते हैं। वो कितनी मेहनत से इस चोटी पर पहुंची है, हम आपको बताते हैं बिग बॉस का नाटकीय रूपांतर, सॉरी नेचुरल रूपांतर। ओ जीसस, मैं मीडियास की बेटी हूँ, मैं मीडियास की बेटी हूँ, बार 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 ये बोल चुकी हूँ मैं, लेकिन मेरी माँ कहती है मैं किसी सावंत की बेटी हूँ। जीसस। राखी जीजस, यू? मैं बिग बॉस बोल रहा हूँ। क्या बिग बॉस, आप सिर्फ सुनाई देते हो, दिखाई नहीं देते हो, आपकी हॉट एंड सेक्सी आवाज तो मैंने सुन ली है, आप सामने कब आएंगे बिग बॉस? लो मैं आ गया। तू बिग बॉस है? राखी, बिग बॉस जानना चाहते हैं तुमने कितने रियलिटी शो जीते हैं। नच बलिए, पति पत्नी और वो तो तुम हार चुकी हो। मेरा स्वयंवर इलेस, आई विन हिम।
इलेस हेवन सिंह बिग बॉस जानना चाहते हैं तुमने इलेस से शादी क्यों नहीं की। देखो बिग बॉस, मैं अग्नि के साथ फेरे नहीं ले सकती हूँ। क्यों? You knows, I'm full of plastic surgeries. राखी, बिग बॉस चाहते हैं। अरे कितना चाहता है रे तू? राखी, बिग बॉस चाहते हैं तुम नाचो। क्यों रे? क्योंकि बिग बॉस का पीने का टाइम हो गया। चार तेरी बिग बॉस की मैं बताती हूँ अभी चल। अरे चाहते नहीं बिग बॉस, बिग बॉस चाहते हैं माँ। देखते हैं हमारे बिग बॉस क्या चाहते हैं। कैसा लगा हमारा ये सरप्राइज पैकेज? हालांकि आप दोनों इस कंपटीशन में नहीं है, लेकिन अगर होते तो आज आपको बहुत 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 अच्छे मार्क्स मिलते। थैंक यू, वेरी एंजॉयबल एक्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू रोहित। वेलकम बैक जिमी। थैंक यू, बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने। थैंक यू। और लिखा गया बहुत अच्छा था ये एक्ट। एंड मैं जोशी तो नहीं हूँ रागिनी, बट बहुत जल्द कॉमेडी सर्कस वाले फोन करेंगे आपको अगले सीजन के लिए। Perfect 20 from Rohit and Archana. I'm assuming, yes, guys. Zordar taaliyan ek baar Jimmy aur Ragini ke liye. Thank you so much, guys, for coming here. Fantastic. Thank you. आज कृष्णा और सुदेश को मिले सबसे ज्यादा स्कोर्स, परफेक्ट 20, और आज के सारे स्कोर्स जुड़ेंगे कल के एपिसोड में। तो कल बाकी सारी जोड़ियों को लगाना होगा एक्स्ट्रा जोर, क्योंकि अब सिर्फ 3 हफ्ते में होने वाला है फैसला कि कौन बनेगा कॉमेडी का सबसे बड़ा सुपरस्टार। तो सुपरस्टार्स की रेस में फुल स्पीड कॉमेडी के साथ मिलते हैं कल, ओनली ऑन वोडाफोन प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।